फ्रेंड्स, हम लोग गुवाहाटी में रुपवे पर आए हैं चढ़ने के लिए। रुपवे प्रोजेक्ट यहाँ था। देखिए, रुपवे टर्मिनल में हम लोग टिकट के लिए आए हुए हैं और यहाँ से टिकट लेकर हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे और हम लोग अभी टिकट के लिए जा रहे हैं। इतने ऊपर रुपवे पर चढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करके देखेंगे। टिकट का मतलब से टिकट ले लिए हैं, रुपवे पर जाने के लिए रेडी हैं और अंकल टिकट ले लिए हैं और हम लोग बड़ा हैप्पी है जाने के लिए रुपवे पे। और गुनगुन भी पूरा एक्साइटेड है रुपवे पर चढ़ने के लिए। कुछ बोल नहीं रही है लेकिन केवल स्माइल कर रही है। यहाँ पे हम लोग गेट पे जा रहे हैं रुपवे एंट्रेंस पे। एंट्रेंस में जा रहे और यहाँ हम लोग रुपवे पर जाने के लिए पूरा बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि रुपवे आएगा। हम लोग वहाँ पर पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करेंगे। रुपवे का जाने का वेटिंग रूम है, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है यहाँ पे रुपवे का वेटिंग रूम। यहाँ से हम लोग वेटिंग करके चढ़ेंगे हम लोग रुपवे पे। यहाँ हमारे अंकल और सिस्टर गुनगुन यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। और यही है रुपवे का जाने का ये सीढ़ी। देखिए, हम लोग इस पलर देख रहे हैं यहाँ से पूरा। वहाँ वही है उमानंद जो वहाँ पर दिख रहा है, वही है उमानंद पहाड़ घाटी द्वीप है उमानंद का। वहीं पर उमानंद है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं गुवाहाटी स्टेशन से। आप लोग वहाँ से ऑटो या टोटो या जो भी टैक्सी करके आप लोग आ सकते हैं। और आने के बाद आप लोग यहाँ पे टिकट लेकर 200 का टिकट काउंटर रिटर्न टिकट है। तो वहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ रुपये पर चढ़ने के लिए आप हम लाइन में हम लोग जा रहे हैं। लिफ्ट अटेंड कर रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं। यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है, लिफ्ट में जा रहे हैं। एंट्री कर दिया लिफ्ट में। रुपये पर जाने का सिस्टम यहाँ पर कैबिन वन और कैबिन टू है। यहाँ पर रुपये जाने के लिए यहाँ से हमारा लिफ्ट आया और लिफ्ट आने के बाद हम लोग अब रुपये से जाएंगे। यहाँ पे रुपये से जाएंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे रुपये का जाने का सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चढ़ के जाना होगा। वही है उमानंद की आपको जो है यहीं पर मंदिर है। रुपये का चक्का जो कि यहाँ से ये चक्का चल रहा है, इसके बाद ही कोई यहाँ से ये वाला जो डोर है यहाँ से खींच रहा है। और ये डोर वहाँ से देखिए एक रुपये को लेके आ रहा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर तक एक रुपये दिखाई दे रहा है, इसी पर हम लोग को बैठ के जाना है। फ्रेंड्स, यही है रुपये जिस पर हम लोग चढ़ के जाएंगे, उस पर ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे। बहुत ही खतरनाक तरीके से रुपये आ रहा है, यहाँ पर हम लोग की तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है और इसी पर हम लोग खड़े होकर जाएँगे। यहाँ पर हम लोग रुपये पर जाने के लिए पूरा रेडी कर रही है, रुपये पर चढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग रुपये में जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग रुपये से अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर के ऊपर में, 1 किलोमीटर ऊपर में हम लोग लग रहा है। और यहाँ से हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू चारों तरफ से और खतरनाक व्यू है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 25 लोग हैं। अंकल यहाँ से देख रहे हैं नीचे का व्यू। कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए पूरे गुवाहाटी सिटी को हम लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा व्यू खतरनाक। यहाँ से हम लोग रुकवे से ही देख रहे हैं गुवाहाटी सिटी को। ओ बुरी गजब, पूरा एकदम गजब का व्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये है गुवाहाटी सिटी पूरा का पूरा। देख रहे हैं कितना गजब का दिख रहा नज़ारा है। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक वे से, विदर्स पर रुक हुए। हेलो। और ये देखिए गुवाहाटी सिटी पीछे की ओर जाते हुए। और यहाँ से ये देखिए टापू, यहाँ पर द्वीप हैं, द्वीप बने हुए हैं। रुपवे पे हम लोग बहुत दूर निकल चुके हैं अपने ये से डेस्टिनेशन। ये फ्रेंड्स उमानंद, जो कि आप लोग यहाँ पे नाव से भी आ सकते हैं। नाव मेरे 3 बजे तक बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग रुपवे का इस्तेमाल किया रुपवे के जाने के लिए हम लोग। ये है उमानंद का मंदिर, उमानंद की पहाड़ी है जिसको क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पे उमानंद में आ चुके हैं। उमानंद नीचे से हम लोग को दिख रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ एक मंदिर है भगवान शंकर का जिसको कहते हैं उमानंद की, उमानंद
यहाँ पे हम लोग नाव से अगर आए रहते तो यहाँ पे हम लोग उतरे थे, लेकिन नाव बंद हो चुका था, नहाना हम लोग आज पॉसिबल नहीं हो सका। और ये देखिए क्रॉस करते थे हम लोग, हमारा मुआ है ना, बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स। एक मिनट हो गया हम लोग वैक्सीन कर पाए, लेकिन ब्रह्मचारी पड़ो क्रॉस किए इससे हम लोग आप लोग घुमाना मिले। यहाँ पे दूसरी यहाँ पे रुक पे जा रही है, बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स। तो इतना स्पीड से जा रही है, इतना मज़ा आ रही है इंटरेस्टिंग। और बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्रा की नदी, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे देखिए थोड़ी टापू यहाँ पे बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग बहुत ही दूर दूर तक। यहाँ से दूर देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे नाव से ट्रेवलिंग हो रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ देखिए नाव भी सभी जाने का ये है सिस्टम है, सिस्टमेटिक पूरा। कितना स्पीड से यहाँ से क्रॉस किया जा रहा है, यहाँ पे दो तीन हम लोग पुल पार कर चुके हैं, ऐसा खंबा दो पुल खंबा। हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये देखिए नेचर का फील यहाँ बहुत खतरनाक आता है, उसके के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। अब हम लोग आस्ते आस्ते करके हम लोग गेट की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग उतरने के बाद घूमेंगे थोड़ा इधर उधर, उसके बाद हम लोग फिर 5:30 बजे से पहले हम लोग को एंट्री भी करना है। अब नीचे में उतर चुके हैं रुपये से, और रुपये से उतरने के बाद हम लोग अब पहाड़ की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे घूमेंगे फिर रनिंग के समय में आप लोगों को दिखाएंगे। एकदम रुपये यहाँ पे रुका हुआ था, रुका हुआ है, और हम लोग अब बाहर में जा रहे हैं एंट्रेंस पे, एग्जिट की ओर जा रहे हैं, एग्जिट करेंगे यहाँ से। और एग्जिट करने के बाद थोड़ा यहाँ पे बहुत जगह थोड़ा घूमेंगे। देखें यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा कर रखा गया, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टमेटिक बनाया गया, कैसे चलाया था रुपये को, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर रुपये पर ट्रैवलिंग करके। ये यहाँ का गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी का रुपये है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सिस्टम बना कर रखा गया है। टिकट काउंटर यहाँ पर भी है, सेम है वहाँ का जैसा था, वहाँ पर भी वही सेम था। हम लोग इस रुपये में फिर से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर की ओर जा रहे हैं अपना, और यहाँ से हम लोग साउथ गुवाहाटी तरफ में जाएंगे, मेन गुवाहाटी जो सिटी है। और हम लोग फिर से एंट्री कर चुके हैं, एंट्री करते हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग वापस से यहाँ से रुपये फिर से पकड़ के हम लोग मेन गुवाहाटी सिटी में जा रहे हैं, नॉर्थ गुवाहाटी सिटी। और यहाँ पे हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं, रुपये के अंदर फैंस भी लगा हुआ है, इमरजेंसी गेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, चार्ज फैन है। और अप्रॉक्सीमेट हमको लग रहा है कि 20 लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, खतरनाक टापू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस। बस हम लोग थोड़ा उल्लू लगे, हम लोग आप लोगों को थोड़ा बोट का व्यू भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग रिटर्न टिकट लेके गए थे रुपये का, हम लोग बोट का व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए सनसेट कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सनसेट देखते हुए। पूरा देखिए पहाड़ भी इनविजिबल हो चुका है धीरे धीरे करके, पूरा का पूरा आते वक्त यहाँ पर जाते वक्त इस तरफ का दिखा रहा है आप लोगों को, पहाड़ यहाँ पर रात को इनविजिबल हो जाते हैं, इनविजिबल।
और यहाँ पे धरती पर ही पूरा हमको लगता है कि तारे आ चुके हैं। देखिए वहाँ पे उस तरफ में तारे दिख रहे हैं दुनिया भर का, पूरा माउंटेन एरिया है यहाँ पे इसलिए, और देख सकते हैं रात को तो और ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पे। सनसेट बहुत ही खतरनाक वे से हो रहा है, लग रहा है कि डोरेमोन का पैकेट है, सनसेट हो रहा है डोरेमोन का पैकेट की तरह। से उमानंद जो कि हम लोग आते वक्त दिखाए थे आप लोगों को, यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है उमानंद मंदिर है भगवान शंकर का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप लोगों को। और भी देख रहे हैं मजा आ रहा है, यही है उमानंद हम लोग इस पर जाके आप लोगों को दिखा सकते थे, लेकिन मेबी हम लोग का बोट मिस हो गया, इससे हम लोग आप लोगों ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी आएंगे तब लोग यहाँ का व्यू दिखाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग बहुत स्पीड से उमानंद को पार करते हुए उमानंद को पार किए, और यहाँ उमानंद के टापू को हम लोग पार कर दिए। यहाँ पर मंदिर था भगवान शंकर का, यहाँ पे बोट आती है, लेकिन बोट अप्रोक्सीमेट गुवाहाटी सिटी से 3 बजे तक ब्लॉक हो जाती है, फिर यहाँ पे आ नहीं पाती है। और यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब वापस जाएंगे उमानंद से। अब हम लोग मेन गुवाहाटी सिटी में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा टापू देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा टापू यहाँ पे। वादियाँ बहुत अच्छी लग रही है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ गिरा हुआ है, और समय लेकर आएंगे तो आपको ये भी दिखाया जाएगा। वादी से एंट्री कर चुके हैं, जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ से वापस आ चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है रुकने का, एंट्री करने के बाद पूरा गुवाहाटी आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से हम लोग करते हुए लग रहा है कि हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, और हम लोग गुवाहाटी से एंट्री कर लिए हैं। अब रुकवे से उतर चुके हैं, और हम लोग अपना रुकवे का ब्लॉग यहीं पे अपना ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, हैप्पी रहिए, और भी आप लोगों को दिखाया जाएगा फ्रेंड्स।